आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिन लालू सब सून, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव, अब आपको पता ही है उनको सजा हुई है, केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो ज्यादा वो इंटरव्यूज नहीं देते, कैंपेनिंग में भी नहीं दिखते, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते इस समय। लेकिन लालू प्रसाद यादव के आज हम जीवन को देखेंगे। एक बहुत बड़े, एक बहुत पॉपुलर नेता रहे हैं, काफी जबरदस्त इनका ह्यूमर रहा है, हंसाया भी है बहुत लोगों को, और बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं इसके साथ साथ। लेकिन इंजाम बहुत गहरे लगे हैं यहाँ पे लालू प्रसाद यादव पे। तो लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति को एक पूरा नया रंग देने वाले, बहुत समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे ज्यादा मतलब जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है यहाँ पे, हम देखते हैं कि काफी समय तक उन्होंने बिहार को रूल किया, और हम देखेंगे कि इनका टेन्योर कैसा रहा, और इनके रूल में जब इनका पूरा राज्य चल रहा था, वैसे तो बता दूं कि जो इनका वोट बैंक था वो बेसिकली मुस्लिम, ओबीसी और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको रिझाने में लालू प्रसाद यादव कामयाब रहे थे। एक किस्सा ऐसा भी है दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव ऊंची जाति के लोगों से थोड़ा चिढ़ते थे, तो जब इनकी मीटिंग्स होती थी तो ब्यूरोक्रेट सामने बैठते थे तो लालू प्रसाद यादव अपनी चप्पल आगे कर देते थे और बोलते थे जी इधर इसको उठाइएगा, तो इस तरीके के। तो लालू प्रसाद यादव के किस्से हम देखेंगे और भी देखेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन बड़ी पकड़ थी, जमीनी नेता थे। जब भी बात होती थी गांव गांव की, तो ये हमेशा बोलते थे जो बड़े बड़े लोग होते थे कि तुमको कुछ नहीं पता है गांव में क्या चल रहा है, लोगों से संवाद बिठाते थे। क्या जबरदस्त मेमोरी थी, एक बार इंसान को देख लेते थे, उनसे बात कर लेते थे तो कभी भूलते नहीं थे। एक बार बताना चाहूंगा कि एक बार एक रैली में गए थे ये, तो वहां पे एक लेडी जो थी, एक महिला दौड़ते हुए इनके पास आई, लालू प्रसाद यादव के साथ एक और इंसान थे वो ये बताते हैं, तो लेडी उनके साथ उनके पास दौड़ते हुए पास आई और लालू यादव ने उनको तुरंत पहचान लिया, कह रहे रुकमणी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो बिल्कुल एक जनरल थी, ठीक है ना। वहां पे फिर लालू प्रसाद यादव ने उसका हालचाल पूछा, उसकी बहन का भी हालचाल पूछा, और तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए के का नोट दिया कि ये लो अपने बच्चों के लिए मिठाई उठाई ले जाना। तो इस तरीके का संवाद था, बहुत ज्यादा इज्जत है लालू प्रसाद यादव की अगर आप बिहार के गांव का ब्यौरा करेंगे। तो हम आज लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, चारे घोटाले की भी बात करेंगे कि इनको सजा क्यों हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीडन उसको रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव को हर एग्जाम के लिए आते हैं, नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, भारत है और भारत में ये रहा बिहार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट, टेक्निकली भारत भी यहीं से ही शुरू हुआ था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक साथ वो लेके आए थे, 16 महाजनपद को डिसॉल्व किया था। वैसे आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव भी किंग मेकर बोलते हैं अपने आप को, जैसे चाणक्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य भी बोलते हैं। बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? लालू प्रसाद यादव, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे काफी स्कोप है। सबसे ज्यादा आईएएस हो गए बिहार से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी बिहार में है, सबसे ज्यादा लेबर्स भी बिहार, जो माइग्रेशन होता है लेबर्स का वो बिहार से ही होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा देख के दुख होता है कि आजादी के बाद बिहार को बहुत डेवलप करना चाहिए था, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। पॉलिटिक्स यहाँ की कुछ इस तरीके की है कि हुआ नहीं, अभी हम देखेंगे पॉलिटिक्स कैसी रही है। तो चलिए दोस्तों, वैसे मैंने इससे पहले नीतीश कुमार की भी बायोग्राफी रिव्यू की है, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में नीतीश कुमार की भी बात होगी। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 में हुआ था, 1948 में फुलवरिया बिहार में हुआ था, छोटा सा गांव है, काफी गरीब परिवार था इनका। इनके जो पिताजी थे कुंदन रे और मरछैया देवी, उनके बेटे थे, और काफी डिसिप्लिन्ड फैमिली थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव बड़े शुरू से बड़े चुलबुले टाइप थे, ठीक है, और गांव से एकदम, क्योंकि गांव में उनका पूरा पैठ थी तो गांव में बड़ा नाम भी था। जैसे जैसे ये इनका कद आगे बढ़ा, जैसे जैसे ये नेता हुए, ठीक है ना, और शुरू से इनको राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये चीज थी, पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। तो पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने अपने बैचलर ऑफ लॉ किया, मतलब अंडर ग्रेजुएशन जो है इन्होंने अपना लॉ से किया, फिर उसके बाद मास्टर्स भी ली पॉलिटिकल साइंस से। जिस यूनिवर्सिटी पे ये पढ़ रहे थे उसी यूनिवर्सिटी में इनके भैया प्यून थे, और आपको बता दूं कि अपने भैया के ही घर में रहते थे, ठीक है, चपरासी थे इनके भैया जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे और जहां से इन्होंने अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और इसी दौरान जब ये स्टूडेंट मूवमेंट चला, आपको पता ही है कि 1970s में इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तो ये पूरा जो नारा है ये चला, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण, अब जयप्रकाश नारायण लोक नायक, मैंने पूरी उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है,
जेपी मूवमेंट था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जेपी को लेके आए थे सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब लोग कि आप हमारे लीडर होइए। तो यहाँ पे जेपी की कुछ शर्तें थी, खैर उनकी बायोग्राफी मैंने सेपरेट रिव्यू की है। अच्छा, हम जेपी पे अभी फिलहाल नहीं जाते, उनकी पूरी बायोग्राफी मेरा एक घंटे का सेशन है। तो यहाँ पे जेपी ने जो ये मूवमेंट शुरू किया था, बहुत आज जो आप नेता देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आज के नेता, वो सब उसी मूवमेंट से आए, चाहे शरद यादव हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, या चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये सब जेपी मूवमेंट से उठ के आए हैं। ठीक है ना, जेपी मूवमेंट ने पूरे भारत को बदलने की ये उन्होंने प्रिंसिपल एक डॉक्ट्रिन दे दी थी कि देखो इस तरीके से भारत बदला जाएगा, भारत को दोबारा आजाद करने की जरूरत है, इकोनॉमिकली साइंटिफिकली पॉलिटिकली भारत को आजाद करेंगे, जिसको इन्होंने नाम दिया टोटल रेवोल्यूशन। अब ये जो संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, और ये बहुत ही नॉन वायलेंट क्रांति थी एक तरीके से, जो मूवमेंट यहां पे, हाँ कहीं जगह हमको डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट था बहुत ही नॉन वायलेंट, लेकिन फिर इमरजेंसी लग गई। अब यहां पे लालू प्रसाद यादव उस समय स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, और फुल ऑन पॉलिटिक्स में एक्टिव। और इसी दौरान 1 जून 1973 में इन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी से भी, जो मतलब उनसे शादी की, और लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि जब इनकी राबड़ी देवी से शादी हुई थी तो इन्होंने राबड़ी को देखा तक नहीं था, जैसे आज होता है पूरा परिवार बैठता है सब कुछ। एक बार लालू यादव से सवाल पूछा गया था कि आपने कभी दिल नहीं लगाया, कभी इश्क नहीं किया, तो लालू ने बोला कि हम कहां से दिल लगाएं जी, हमारे उस समय कुछ ऐसा नहीं होता था, हमने तो राबड़ी को देखा तक नहीं था, हमारी शादी ऐसी हो गई थी। तो ऐसे पहले होता था गांव में जब शादियां होती थी, ठीक है। तो राबड़ी देवी को देखा भी नहीं, 1973 में शादी हो गई और बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज रही है ये, 9 बच्चे हैं इनके, सबसे बड़े तेज प्रताप यादव और उसके बाद तेजस्वनी यादव जो कि डिप्टी सीएम थे, ठीक है, और वो भी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1970 में लालू ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। यही होता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स शुरू करनी है तो बेस्ट है कि आप अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स में एक्टिव होइए। पटना यूनिवर्सिटी जो PUSU, ये यूनियन था, पहले इसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बने और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट बन गए। जबरदस्त मूवमेंट किया इन्होंने, 19 महीने की जेल भी हुई, जेल भी गए लालू प्रसाद यादव, अच्छी चीज के लिए जेल गए। और जब इमरजेंसी लगी 1975 से लेकर 1977 तक, उसके बाद फिर जनता पार्टी जब देखने को आई, जनता पार्टी का उदय होता है, तो लालू प्रसाद यादव बिहार में छपरा से लोकसभा का इलेक्शन लड़े और जीते। सिर्फ और सिर्फ 29 साल की उम्र थी उनकी, एमपी हो गए, बहुत ही बढ़िया, लोकसभा से जीत गए, छपरा से जीत के आ गए। बिहार का है छपरा, आपको पता ही है, ठीक है, वो गाना नहीं सुना, वो छपरा हिले और कांची हिले, क्या बोल दे, मतलब बड़ा ही फेमस एक भोजपुरी गाना है। तो छपरा से ये चुन के आए, 29 साल के थे ये, इनकी पॉलिटिक्स बहुत फुल ऑन एक्टिव, लेकिन जनता पार्टी में आपसी में टूट फूट हो गई। अब मैंने पूरा इतिहास कवर किया है दोस्तों, बायोग्राफीज अवेलेबल है, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री उन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखिएगा, हम उस पर इतना नहीं जाएंगे। तो जनता पार्टी टूट गई, जनता पार्टी के अलग अलग धड़े बन गए, ठीक है। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि बिहार की पॉलिटिक्स को एक नया रंग दिया जाए, ठीक है। लालू प्रसाद यादव ने दूसरा धड़ा जनता पार्टी का ज्वाइन कर लिया। 1980 में इलेक्शन हुए लेकिन हार गए, तो ये तो विपक्ष के नेता बन गए थे। और आपको जान के हैरानी होगी, आज नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जानी दुश्मन है एक दूसरे के, जानी दुश्मन कहना सही नहीं रहेगा वैसे पॉलिटिक्स में, मैं बता रहा हूं कि राइवलरी इनकी बड़ी फेमस है, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव का भयंकर तरीके से सपोर्ट किया था, भयंकर, समझ रहे ना, कि इन्हीं को ही बनाओ चीफ मिनिस्टर। हुआ ये था कि वीपी सिंह की, अब वीपी सिंह पहले कांग्रेस में थे, मिनिस्टर थे वहां पे, उसके बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए, वो फोर्स घोटाला हुआ, उन्होंने अपना दल बना लिया जनता दल, और उसके बाद सारी पार्टीज को एक साथ लेके आ गए। जनता दल ने इलेक्शन लड़ा, जीत गई 1989 में, कांग्रेस पहली बार हार गई, मतलब पहली बार इन द सेंस की, मतलब 1984 से 1989 तक जो इंदिरा गांधी के, मतलब जब उनको मारा गया था इंदिरा गांधी को, उस सिंपैथी पे जो वोट मिले थे और जो तूफान आया था उसमें कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1989 में बोफोर्स और बहुत सारी चीजें, फिर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, तो ये सारी चीजें जो हुई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा 1989 में। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि वीपी सिंह की सरकार तो बन गई, बीजेपी का भी सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट था यहां पे, लेकिन 1990 में बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो गई। इससे पहले 24 मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके थे, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, अब उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। जगन्नाथ मिश्रा के बाद कौन,
अब ऐसा था कि जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है, जो कि 1977 में जब जैसे ही मतलब इमरजेंसी खत्म हुई थी और इलेक्शन हुए बिहार में, तो चीफ मिनिस्टर भी बिहार के रहे थे, कर्पूरी ठाकुर उनका नाम था, बहुत ही जबरदस्त लीडर थे और काफी उनका नाम था, ठीक है, बड़े ही गजब के नेता थे। उनका देहांत होता है, कर्पूरी ठाकुर के बाद उनकी सियासी विरासत को कौन संभालेगा? लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का देहांत मेरा सौभाग्य था कि मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा था और हम भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तो लालू प्रसाद यादव सोनपुर से थे और उन्होंने जो है इसका बीड़ा उठाया कि इनकी सियासत अब मैं संभालूंगा, ये जो पूरा का पूरा जो बिहार में अब पॉलिटिक्स होने वाली है अब उसका दारोमदार मुझ पे है। लेकिन इतना आसान नहीं था। 1990 में वीपी सिंह वर्सेस चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर की बायोग्राफी रिव्यू की है दोस्तों, शायद एक ऐसे चंद्रशेखर एक ऐसे नेता थे, उनसे बेहतरीन नेता शायद ही बहुत मुश्किल होगा, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। चंद्रशेखर ने कभी भी मंत्री का पद स्वीकार ही नहीं किया और जब बने प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, भले ही उनका टेन्यूअर बहुत ही कम समय का रहा हो, लेकिन चंद्रशेखर चाहते तो प्रधानमंत्री बहुत पहले ही हो जाते। जयप्रकाश नारायण के बहुत ज्यादा करीबी थे, जनता पार्टी के अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में ये हो ना सका। और चंद्रशेखर को समय प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, अगर 1977 में जो इलेक्शन हुए थे जनता पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर खड़े हो जाते और प्रधानमंत्री बन जाते तो आज भारत की तस्वीर बहुत अलग होती, लेकिन जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना। मुरारजी देसाई बने, मुरारजी देसाई बहुत समय से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई, फिर उसके बाद पूरी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, फिर चौधरी चरण सिंह और उनका फेस पूरा एक अलग ही है, देखिएगा, सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो यहां पे हम देखते हैं कि 1990 में बिहार की पॉलिटिक्स बदल रही थी। वीपी सिंह चाहते थे जो चीफ मिनिस्टर बने बिहार का वो कोई और बने। देखिए 1990 में बिहार में चुनाव हुए, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो आप बिहार देख रहे हैं ना, पहले ये पूरा बिहार और झारखंड को मिला दीजिए आप, ठीक है ना, ये 2000 में इसको अलग किया गया, तो ये बहुत बड़ा था बिहार अगर हम बात करते हैं, तो बिहार और झारखंड साथ में थे, तो जो उस समय लोकसभा की सीट विधानसभा की सीटें थी वो 326 थी, 326 में से 120 विधायक जनता दल के चुन के आए थे, ठीक है, तो जनता दल के 120 विधायक चुन के आए। अब जनता दल के तो 120 विधायक है, ठीक है, बहुमत के लिए तो काफी ज्यादा चाहिए, आपको कितनी सीटें चाहिए बहुमत के लिए, 155 सीटें चाहिए, अरे सॉरी 326/2, 163, ठीक है ना, एक ज्यादा चाहिए, ठीक है, 50% से ज्यादा चाहिए आपको, समझ रहे ना। तो यहां पे 120 सीटें हैं, लेकिन और भी पार्टीज जो थी छोटी छोटी पार्टीज, उन्होंने जनता दल को सपोर्ट किया, जनता दल को सपोर्ट तो मिल गया, वीपी सिंह की सरकार केंद्र में भी है इस समय, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप बनाएंगे किसको चीफ मिनिस्टर। बहुत सारे लोग यहां पे खड़े हो गए थे, अपनी दावेदारी ठोक दी थी। यहां पे वीपी सिंह जो चाह रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर बने, वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास सरकार चलाए और चंद्रशेखर चाहते थे रघुनाथ जा सरकार चलाए। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों इसी दौरान, उसको स्किप करूंगा मैं। यहां पे मीडिएशन का रिजल्ट यह रहा कि देवीलाल जो कि चंद्रशेखर के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने बोला लालू प्रसाद यादव, खैर लालू प्रसाद यादव का भी इसमें बहुत जोर था, पुरजोर से वो कोशिश कर रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने, दावेदारी उनकी हो, नीतीश कुमार पीछे खड़े थे और बहुत जो यंग पॉलिटिशियंस थे वो लालू प्रसाद यादव का साथ दे रहे थे कि अगर बिहार को कोई बदलेगा तो यही बदलेंगे। चंद्रशेखर भी लालू प्रसाद यादव का साथ देने लगे कि लालू को ही चीफ मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने फोन किया था कि देख लीजिए सर, वीपी सिंह का कहीं कैंडिडेट ना जीत जाए। तो आनंद फानंद में फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और 1990 में 23 सितंबर 1990 में लालू प्रसाद यादव जो है उनके पास यहां पे हम देखते हैं पूरी कमान आती है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बन गए। अब यहां से 15 साल की जर्नी शुरू होती है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव के दल का ये इनका पूरा दबदबा रहा, बैक सीट से लालू प्रसाद यादव ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ठीक है ना। तो 1990 में लालू प्रसाद यादव बन तो गए,
अब यहां पे राम रथ यात्रा आपको पता ही है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी को सीधा बोल दिया था लालू प्रसाद यादव ने कि बिहार क्रॉस करके यूपी नहीं जाने देंगे, यहीं पे अरेस्ट कर लेंगे आपको। सोमनाथ से ये पूरी अयोध्या तक रथ यात्रा थी, लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया। अब जनता दल को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, जैसे ही बीजेपी ने देखा कि भैया हमारे नेता को लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट किया है, उन्होंने पूरा सपोर्ट खींच लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई, फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर हुए। वो तो सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स है, लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत कुछ हो रहा था। बैकवर्ड कास्ट की आवाज बन गए थे, ओबीसी और दलित्स की आवाज बन गए थे लालू प्रसाद यादव। संवाद बहुत अच्छा था लोगों से, तो यहां पे लोगों को पता था कि अगर बिहार को कोई बदलेगा तो वो लालू प्रसाद यादव ही बदलेंगे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो ना सका। बिहार की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई इसी दौरान, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसी बात थी तो दोबारा क्यों लालू प्रसाद यादव जीते, क्यों जीते, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, ठीक है। लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक था वो इतना तगड़ा था, उनका जो संवाद था जो गांव के लोगों से, वो किसानों के घर में जाते थे, उनके यहां खाना खाते थे, वो बच्चों को टॉफी बांटते हुए दिख जाते थे, सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक सही नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाते थे, बड़े बड़े महकमे जाते थे, कहीं पे भी उनको दिक्कत होती थी, लगती थी, वहीं पे ही ऑफिसर को सस्पेंड करते थे, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां पे पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। ये जो लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स थी ना, इसकी वजह से जनता ने भर भर के लालू प्रसाद यादव को प्यार दिया, ठीक है। लेकिन बिहार का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं ज्यादा, बिहार का तो डेवलपमेंट ग्राफ तेजी से नीचे गया। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पे आते हैं। शुरू में तो नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत समय से दोस्त थे, ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव खुद बताते हैं। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स में आए, चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने इनकी गवर्नेंस देखी, तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है, उनकी बायोग्राफी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। उन्होंने बोला कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। तो यहां पे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल खफा थे कि जिस तरीके से आपका गवर्नेंस चल रहा है, आप गरीबी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, गांव को डेवलप नहीं किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। तो लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल खफा हो गए नीतीश कुमार। और एक बार लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, नीतीश कुमार ने एक रैली में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया। फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी पार्टी समता पार्टी, और इधर नीतीश कुमार भी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ शामिल हो गए, और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ हैं। तो ये डायनेमिक्स बन गए, और ये 1993 में ये बंटवारा जो है वो पूरी तरीके से हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि चीफ मिनिस्टर तो आप बन गए हैं, 1995 में फिर इलेक्शन हुए, दोबारा लालू प्रसाद यादव जीते, वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग था इनका, यादव मुस्लिम वोट्स इनको बहुत ज्यादा मिलते थे, भर भर के मिलते थे, ठीक है ना। तो अब गरीबी भी थी बिहार में, बहुत ज्यादा गरीबी थी इसलिए, और 1995 में इलेक्शन हुए, दोबारा लालू प्रसाद यादव जीते। लेकिन 1997 में चारा घोटाला भैया, एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे, और चारा घोटाला आया, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, जनता दल ने बोला कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, आपके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, ऐसे नहीं चलता है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव का मूड खराब हो गया, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा छोड़ दिया, अपनी पार्टी को ही अलग कर लिया, पार्टी खैर अपने आप को ही अलग कर लिया, और उसके बाद जनता दल से अलग हो गए लालू प्रसाद यादव, और अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसको हम राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जानते हैं, आरजेडी। आरजेडी है ना लालू प्रसाद यादव की पार्टी। देखिए दिक्कत यह हुई कि जनता पार्टी टिक नहीं पाई। पॉलिटिक्स एक बड़ी एक ऐसी चीज होती है कि उसको बड़े संभाल के चलाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि जनता पार्टी से जनता दल बन गया, जनता पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप्स टूट के जनता दल बन गए, और बाद में जनता दल के भी बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। तो अभी हम देख रहे हैं कि जनता दल के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें से एक आरजेडी और दूसरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये चीज आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1997 में 1997 में क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम लग गया, भैया आप नहीं लड़ सकते इलेक्शन, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सत्ता को हाथ से जाने नहीं दी। ये आप गलती मत कर लीजिएगा। राबड़ी देवी को, अपनी पत्नी को, इन्होंने
चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो 1997 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर रही। 2000 में फिर बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इलेक्शन हुए और 2000 में यहां पे झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। और उसके बाद जब झारखंड और छत्तीसगढ़ दो नए स्टेट बनाए गए तो यहां हम देखते हैं कि पहले 326 विधानसभा सीटें थी, उसके बाद जब झारखंड को अलग किया गया तो 243 हो गई। तो प्रेजेंट 243 सीटें हैं बिहार की, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड अलग है। 2000 में विधानसभा इलेक्शन हुए, फिर आरजेडी जीती, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हुई। लेकिन 2005 में फाइनली जनता को कुछ समझ में आया। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये हो गई कि लालू प्रसाद यादव 2005 में इसलिए भी हारे, एक तो राबड़ी देवी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब लोग लालू प्रसाद यादव को जानते थे, राबड़ी देवी को नहीं जानते थे, उनकी ज्यादा पैठ थी। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं, गरीबी बहुत ज्यादा बिहार में, लेबर माइग्रेशन बहुत ज्यादा बिहार में, आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल निचले स्तर पे था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बिहार में थी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो टेन्योर था डेवलपमेंट के मामले में वो पीछे रहा। एक और चीज बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में ये हो गई थी, गुंडा राज, माफियाओं का रूल चलने लगा था। ऐसा हो गया था दोस्तों, ऐसा बोला जाता था लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में कि इंसान सुबह जाए शाम को आए इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। सुबह जाता था, शाम को आएगा कि नहीं आएगा पता चला, बीच से ही उसको किडनैप कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं के उस समय बड़े अच्छे दिन थे और यहां पे संरक्षण प्राप्त था सबको। अब ये सब मिली, ये सब पूरी नेक्सस थी, किस तरीके से किडनैपिंग की जाएगी, पैसा दिया जाएगा, कुछ कट पुलिस को, कुछ कट पॉलिटिशियंस को, तो सब लोग चुप रहते थे। तो ये जो गुंडों का, ये जो माफियाओं का उदय था, ठीक है, ये भी। फिर एक और चीज, लालू प्रसाद यादव पे बहुत ज्यादा करप्शन लगने लगा था, आय से ज्यादा संपत्ति, इनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, ठीक है। फिर फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला हुआ, उसके बाद जमीनें इन्होंने हथिया ली थी बहुत सारी, वो इल्जाम लगे इनके ऊपर। तो इसी कारण 2005 में हार का सामना करना पड़ा, आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ 54 सीट्स मिली, ठीक है ना। लेकिन 2004 में जनरल इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन लड़े ना, वहां कुछ और हो गया। आरजेडी को 21 सीट मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी को तो खैर सीट्स नहीं मिली थी, ठीक है, बहुमत का आंकड़ा तो वो पार कर नहीं पाए थे, बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट भी नहीं था, तो बीजेपी को 2004 में हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर खत्म हो गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने 21 सीट्स जीत ली और बोला कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। 21 सीट्स बहुत होती हैं अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, यूपीए बना और कांग्रेस इतनी खुश हो गई कि लालू प्रसाद यादव को रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया। अब रेलवे मिनिस्टर में काफी अच्छे चीज भी की, काफी मतलब इनका जो उतार चढ़ाव बड़ा ये टेन्योर रहा। अब इन्होंने बताया कि लाखों लाखों करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जिस समय लालू प्रसाद यादव को इंडियन रेलवेज दी गई थी, रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था, उस समय लॉस में चल रही थी रेलवेज, हालांकि अभी भी लॉस में ही है, ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉफिट में ले आए थे। अब हालांकि उसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन यहां पे इन्होंने बता दिया कि लाखों लाखों करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बहुत सारी चीजें की, प्लास्टिक्स बैन कर दिया, कुल्हड़ में चाय मिलने लगी थी ताकि जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, फिर तत्काल स्कीम चला दी थी, उससे तो बहुत ज्यादा पैसा आया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें की, तो रेलवे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन इन्होंने लाखों लाखों करोड़ का बता दिया। बाद में ममता बनर्जी ने एक व्हाइट पेपर इशू किया कि ये जो इतना बता रहे इतना है नहीं। फिर लालू प्रसाद यादव ने बोला ये व्हाइट पेपर नहीं तो ब्लैक पेपर है, ठीक है ना, ये व्हाइट पेपर है ही नहीं। लालू प्रसाद यादव का जो नेचर था, जिस तरीके से वो हैंडल करते थे ना चीजों को, वो कमाल का था। मतलब इंसान हंसता भी था और बड़ा बढ़िया कटाक्ष करते थे वो, जो भी पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। तो ये चीज थी, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर कैग की रिपोर्ट भी सामने आई कि 25,000 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन रेलवे प्रॉफिट में तो गई, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। 2009 के जनरल इलेक्शन होते हैं, आरजेडी को और कम सीट्स मिली, 4 सीट मिली। यहाँ पे आउटसाइड सपोर्ट था, लेकिन 4 सीट्स इतनी क्या मैटर करती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें थी। लेकिन फिर 2013 में एक बड़ा झटका मिला लालू प्रसाद यादव को, जब इनको चारा घोटाले में कॉन्विक्ट कर दिया गया, 5 साल के लिए इनको सजा दे दी गई। 6 केसेस चल रहे हैं, 6 चारे घोटाले केसेस किए हुए थे, मतलब हुए हैं, 2 में सजा मिली है, ठीक है ना, बाकी अभी पेंडिंग केसेस है, ठीक है। हालांकि बेल मिल गई थी 2013 में, खाली 4 दिन जेल में रहे थे, बेल पे बाहर आ गए थे, लेकिन 2017 में जो मतलब पिछले साल जो इनको सजा हुई है, ठीक है, उसमें बेल नहीं मिली, ठीक है। और हालांकि नहीं, उसमें भी बाद में बेल मिल गई, लेकिन अच्छा खासा समय उन्होंने जेल में बिताया था। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अब जो भी केसेस के रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी वर्डिक्ट आ रहे हैं,
वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जा रहे हैं, तो अगर ऐसा ही होगा तो लालू प्रसाद यादव को फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। 2015 के बिहार इलेक्शन की बात करें, उससे पहले 2014 के जनरल इलेक्शन की बात करते हैं। फिर आरजेडी को 4 सीट्स मिली, लेकिन यहां पे महागठबंधन, जनता परिवार, नीतीश कुमार, लालू यादव ने, इन सब ने बनाया महागठबंधन, फेल हुआ पूरी तरीके से। और इधर नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया। लेकिन 2015 में जब बिहार के इलेक्शन हुए, आरजेडी को सबसे ज्यादा 81 सीट्स मिली। ठीक है, अब किसी को बहुमत नहीं मिली। इधर नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी जी को ये मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेटचर अनाउंस किया गया था कि 2014 में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे, तो नीतीश कुमार ने बोल दिया कि अगर नरेंद्र मोदी लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ने वाला, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपना कोएलिशन तोड़ लिया, बीजेपी से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, अलग हो गए। उसके बाद बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आए। ठीक है, यहां पे हम ये देखते हैं कि किसी को बहुमत नहीं, बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की बायोग्राफी देखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें भी ड्रामा हुआ था, लेकिन हम क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बायोग्राफी रिव्यू कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का क्या हुआ था फिलहाल अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। इसी दौरान 2014 से 2015 तक ना बड़ी बहुत ड्रामे हुए थे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2015 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, दो प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव, एक दूसरे नीतीश कुमार एक दूसरे की बुराई करते हुए थकते नहीं थे, दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में आ गए। आरजेडी और जेडीयू साथ में आए, दोनों ने सरकार बनाई मिलके, मेजोरिटी प्रूफ की। उसके बाद हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव। ठीक है, अब यहां पे तेजस्वी यादव का जिस तरीके से वो रूल कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से अपनी पोस्ट का यूज कर रहे थे, बहुत आपको याद ही होगा कि उसमें बहुत सारी चीजें थी। फिर बहुत सारे केसेस फाइल होने लगे, तो नीतीश कुमार से पूछा गया कि ये जिस तरीके से तेजस्वी यादव रूल कर रहे हैं बिहार को, ऊपर से फिर उनकी बहुत सारी पोस्ट भी वायरल होने लगी कि इधर पार्टी में जा रहे हैं, इधर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, आप एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। फिर और इनके ऊपर केसेस, क्रिमिनल केसेस, कुछ चार्ज यहां पे फाइल किए गए। तो यहां पे नीतीश कुमार से बार बार सवाल पूछे जाते थे, नीतीश कुमार चुप। अल्टीमेटली 2017 में जब यहां पे लालू प्रसाद यादव की शिकंजा बहुत ज्यादा कस गया और पता था कि अब लालू प्रसाद यादव को सजा होनी होनी है, नीतीश कुमार ने चुपचाप किनारा कर लिया। और उसके बाद नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। ठीक है, और उसके बाद फिर आरजेडी और अगेन जेडीयू में बहुत तगड़ा झगड़ा होता है जो आज भी चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। फिलहाल हम नीतीश कुमार को छोड़ते हैं, लालू प्रसाद यादव पे आते हैं। फॉर्डर स्कैम, चारे घोटाले की बात करते हैं। सेंटर से पैसा आया, चारा घोटाला, मवेशियों को चारा खिलाना है, पैसा कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही होते हैं घोटाले, सेंटर से पैसा आता है, पैसे खा लिए जाते हैं, फर्जी कंपनीज बना ली जाती हैं, जो पैसा आया यहां पे लगा हुआ है, ये कंपनीज हमको सप्लाई कर रही हैं, शेल कंपनीज होती हैं वो, पेपर पे तो सब चकाचक, लेकिन असली में पैसा कहाँ गया पता नहीं। बढ़िया है, एक स्कूल बनाने के लिए मान लीजिए करोड़ रुपए आए हैं या लाख रुपए आए हैं। ठीक है, पेपर में स्कूल बन गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, असली में जाएंगे पता नहीं स्कूल कहां गया, पता नहीं पैसा कहां है, वैसे की वैसी बिल्डिंग रहेगी। तो यही फॉर्डर स्कैम, यही चारा घोटाला में हुआ। फंड जो आए वो यहां पे मतलब बहुत सारे इसमें, खैर चारे घोटाले में भी ढेर सारे केसेस थे। ठीक है, इसमें एम्बेसलमेंट का केसेस था, फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें एक लेयर पे लेयर है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि चारा घोटाले में बहुत सारे लोगों को कॉन्विक्ट किया गया। उसके बाद फिर इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, छोटे ब्यूरोक्रेट्स, क्लर्क से लेकर पॉलिटिशियन तक हर कोई इसमें शामिल था। लालू प्रसाद यादव पे भी इल्जाम आया, लालू प्रसाद यादव को भी कॉन्विक्ट किया गया। 6 केसेस इन पे फाइल किए गए हैं, 2 केसेस में सजा मिल चुकी है, 4 केसेस अभी भी चल रहे हैं। और 1996 टोटल घोटाला जो है वो 950 करोड़ का है। 1996 में ये बात सामने आई थी, ये बात को दबा दिया जाता, लेकिन भैया हमारा कानून ऐसा है, बहुत ही जबरदस्त पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL बिहार हाईकोर्ट में फाइल की गई। हाईकोर्ट ने जब इस पे इस मतलब ये पूरे मामले को जांचा, CBI को केस दे दिया, और जब CBI को केस दिया, चार्जशीट फाइल की CBI ने, लालू यादव को अक्यूज बनाया। इनके परिवार पे भी मुकदमे, चार्जशीट में इनके परिवार के लोगों का भी नाम था, और भी बहुत सारे यहाँ पे करप्शन चार्जेस लगे हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि लालू प्रसाद यादव बाद में इतना सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि जब जनता समझने लगी तब उसको समझ में आ गया कि यहां पे दाल में बहुत कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। 2013 में ये बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, बड़ी लंबी लड़ाई थी 2013 में, फिर यहां पे लालू प्रसाद यादव को सजा हुई।
5 साल की सजा हुई, मतलब जो पहला दो में सजा हुई, तो जो पहले फॉर्डर स्कैम में सजा हुई वो 5 साल की सजा थी, ठीक है ना, और काफी ज्यादा इन पे आरोप लगे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, अच्छा ये जो केस था, वैसे टोटल जो अगर हम केसेस की बात करें तो 66 केसेस थे, लेकिन 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गए, तो झारखंड को 39 केस सौंप दिए गए, तो 39 केस झारखंड में चल रहे थे, झारखंड की कोर्ट में, ठीक है। तो वहां की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई, 25 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा थी, ठीक है, लेकिन 3 दिन में बाहर आ गए, बेल मिल गई उनको। फिर पिछले साल उनको दोबारा दूसरी बार दूसरे केस में सजा हुई, ठीक है ना, 3.5 साल के, और उसके बाद फिर इनको यह भी मना कर दिया कि अब जो है आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते 2020 तक, 5 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो दो केसेस में हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, फिर अभी बहुत ज्यादा कि लालू प्रसाद यादव की काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है, फिर उनको बेल भी मिली, तो ये सारी चीजें हुई। अब बाकी के 4 केसेस अभी भी चल रहे हैं, और भी बहुत सारे केसेस जो है वो लालू प्रसाद यादव पे हैं अभी। तो ये लालू प्रसाद यादव की जर्नी थी। आरजेडी का क्या होगा देखना पड़ेगा अगले इलेक्शन जब आएंगे। अभी तेजस्वी यादव पूरा, लालू प्रसाद यादव तो है नहीं, तो अभी तेजस्वी यादव पूरी पार्टी को देख रहे हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेकिन कुछ भी कहिए, लालू प्रसाद यादव एक जबरदस्त पॉलिटिशियन थे, और उनके बिना तो पॉलिटिक्स वाकई में सूनी सूनी लगती है। थैंक यू सो मच।